नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि संबंधित वीडियो देखने के लिए आज ही फसल क्रांति का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। मैं रविंदर देवतिया एग्रोविजन नागपुर से कुबोटा की स्टॉल पर जानने के लिए हम मिलते हैं मिस्टर सचिन से, जो कि रीजनल मैनेजर है कुबोटा के, और हम जानते हैं कि उनके ट्रैक्टर्स किस किस रेंज में हैं, कितने बीएचपी में हैं और वो दूसरे ट्रैक्टर से क्यों अलग है, किसान उनके ट्रैक्टर्स को क्यों पसंद करते हैं। सचिन जी, या वेलकम यू ऑल इन कुबोटा एग्रीकल्चर मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं सचिन राजमाने, रीजनल सेल्स मैनेजर महाराष्ट्र। सो आई एम विथ दिस ब्रांड कुबोटा सिंस लास्ट 3 years and I am working in tractor industry almost for last 14 years. So basically this is a brand Kubota, basically this is from Japan. So ek Japan based company hai, inka head office jo hai Osaka Japan mein hai, aur jaise ki aap jante hain ki Japan ek chhota rashtra hone ke bawajood technology aur features ke dam par unhone apne products ko pure vishwa mein vikhyat kiya hai. और उसी बेस पे कुबोटा जो कंपनी का फाउंडेशन ऑलमोस्ट 140 साल पहले किया गया था, तो उस कंपनी ने 2009 में भारत में अपनी एक अलग कंपनी इंडिया कुबोटा एग्रीकल्चर मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खोल दी है। और पिछले 10 साल से भारतीय कृषि साठी जापानी तंत्रज्ञान, यानी कि भारतीय खेती के लिए जापानी तंत्रज्ञान देने का प्रयास कुबोटा यहाँ पर कर रही है। हमारा कॉरपोरेट ऑफिस चेन्नई में है, बल्कि सेल्स एंड मार्केटिंग का हेड ऑफिस पुणे में है। और कुबोटा की अगर प्रोडक्ट रेंज की बात करते हैं तो फार्मर्स के लिए हम लोग 21 HP से लेके 55 HP तक की एक विशाल श्रृंखला देने की कोशिश कर रहे हैं। 21 HP में हमारा सबसे छोटा जो आता है वो 8211N जो नैरो ट्रैक्टर है, और उसकी खूबी अगर आप देखते हो तो ये 8211N, इसकी अगर खूबी आप जानते हो तो इसकी विड्थ जो है वो जस्ट अराउंड 2.98 फीट के करीब करीब है, यानी कि 4 फीट का गन्ना अगर आपका है तो भी इसमें ये आराम से चल सकता है। गन्ने के अंदर मट्टी लगाना है या गन्ने के अंदर अगर इंटरकल्टिवेशन करना है तो एज ए मल्टी एप्लीकेशन बोल के इस ट्रैक्टर को आप 4 फीट कल्टीवेशन के अंडर यूज़ कर सकते हो। इसमें और एक हमारा मॉडल आता है 8211N ऑप्शनल, जिसकी विड्थ जो है वो 3.4 इंच है, और जो 4 फीट कल्टीवेशन के लिए आपको वो एक अच्छा काम कर सकता है। अगर बेसिकली 8211N की बात करते हैं तो ये कॉम्पैक्ट 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। इसमें हमने नियोस्टार सीरीज़ में इस ट्रैक्टर को पिछले जुलाई में लॉन्च किया, और बेसिकली इसका इंजन जो बनता है वो जापान में बनता है। पूरे कॉम्पोनेंट्स ऑलमोस्ट वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन जापान, आफ्टर दैट कंप्लीट ट्रैक्टर वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम फॉरेन टू इंडिया, एंड आफ्टर दैट वी आर जस्ट असेंबलिंग टायर्स एंड बैटरी इन आवर चाकन फैक्ट्री, एंड वी आर डिस्पैचिंग दिस ट्रैक्टर्स टूवर्ड्स आवर डीलर नेटवर्क। तो वहीं से आपके खेत तक और आपके किसानों तक इसको पहुंचाया जाता है। इसमें बेसिकली अगर ड्राफ्ट कंट्रोल की बात करता हूं या पोजीशन कंट्रोल की बात करता हूं, तो इसमें 2 लीवर दिए गए हैं। एक के द्वारा आप इम्प्लीमेंट्स को नीचे और ऊपर कर सकते हो, यानी कि पोजीशन कंट्रोल लीवर के द्वारा, और इसमें एक स्पेशल मतलब ड्राफ्ट कंट्रोल हमने दिया है जिसके द्वारा आप कितनी खोली यानी कितनी डेप्थ तक आपको इम्प्लीमेंट चलाना है उसकी वो ड्राफ्ट कंट्रोल से एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा एक स्पेशल फीचर हमने इसमें दिया है जिसको हम लोग सुपर ड्राफ्ट कंट्रोल कहते हैं। इसमें पोजीशन 0, 1 और 2 दिया है। पोजीशन 0 यानी कि जब आप पीटीओ के काम लेते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप 0 पे रख सकते हो। जब आपकी ज़मीन हल्की है तो आप इसको 1 पे कर सकते हो, और जब आपकी ज़मीन अगर ज़्यादा कड़क है तो आप इसको 2 पे कर सकते हो। ऐसा एक स्पेशल ड्राफ्ट कंट्रोल का फीचर हमने इसमें दिया है जो कि और ट्रैक्टर में नहीं है। इसी ट्रैक्टर की श्रृंखला में 21 के बाद हमारा 2441 निगोस्टार यानी कि 24 HP का दूसरा ट्रैक्टर आता है, जिसका इंजन 24 HP का है, जापान में बना हुआ है। इसमें आपको जापान मेड इंजन के साथ साथ पावर स्टेयरिंग मिलेगी, एक्साइज की बैटरी इसमें है, हमारे के टायर्स इसमें है, Its master history and two environmental delivers maximum energy to the two.
और इसमें बेसिकली अगर आप प्लेटफॉर्म की बात करते हो तो कितना भी चलाने वाला ड्राइवर जो है ऑपरेटर है उसकी हाइट ज़्यादा है कम है वो मतलब बड़ा है छोटा है और आराम से इस ट्रैक्टर पे चढ़ सकता है और इसको ऑपरेट कर सकता है। अगर आप देखते हो तो प्लेटफॉर्म काफ़ी स्पेसियस दिया है, इसमें फ्लोर मैट दी है जिसके कारण ट्रैक्टर के इसको ये नहीं होगा और आप आराम से इसको खेत में चला सकते हो। इसकी अगर आप इस पोर्शन पे आते हो तो आप आराम से इसका हावर मीटर चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, फ्यूल चेक कर सकते हैं और इसको आप यहाँ से वन बटन से पूरा ऑपरेट कर सकते हो। हॉर्न यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सेलेटर यहाँ पे दिया हुआ है और सोलेनोइड स्विच है, चाबी के द्वारा आप ट्रैक्टर चालू कर सकते हो और बंद कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो इसको टेल लैम्प दिया हुआ है, टेल लैम्प में अगर शाम को फार्मर को खेती की खुदाई करनी है तो आराम से वो इस टेल लैम्प के द्वारा ज़मीन के ऊपर देख के इम्प्लीमेंट को चला सकता है और रात के समय पे अंधेरे में भी वो आराम से काम कर सकता है। इसमें भी हमने ये स्पेशल ड्राफ्ट कंट्रोल दिए हुए जैसे कि 21 में हम लोगों ने बताया था। तो बेसिकली न्यू स्टार सीरीज़ में हमारे पास 21 ऑप्शनल, 24 और 27 ये चार मॉडल है। इसके बाद हम लोग पैडी के लिए भी L3408 और L4508 जो बेसिकली विदर्भा एंड जितना भी भारत में पैडी का एरिया है खेती है वहाँ पे हमारे लाइटवेट ट्रैक्टर काफ़ी पॉपुलर है जो 34 और 45 एचपी की श्रृंखला में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते तो 45 एचपी में हमारे पास दो मॉडल है, ये अगर आप देखोगे तो 45 एचपी में हमारे पास टू व्हील ड्राइव मॉडल है एज वेल एज़ फोर व्हील ड्राइव भी मॉडल है। यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो फोर व्हील ड्राइव है। इसमें अगर आप बेसिक फीचर जानोगे तो KQ4P कुबोटा पैड 4 पिस्टन का इंजन आता है जो कुबोटा का खुद का बनाया हुआ इंजन है, काफ़ी ताकतवर इंजन है और इसके खूबी में मैं आपको बताता हूँ कि 45 HP इंजन HP होने के बावजूद इसका एक्चुअल इंजन HP अगर आप बुद्धि टेस्ट रिपोर्ट में और एक्चुअल RC बुक में देखते हो तो ये 45 HP से ज़्यादा HP डिलीवरी करता है और PTO स्विच भी HP भी इसका काफ़ी अच्छा है। दूसरा इसमें अगर सिंक्रोमेश ट्रांसमिशन हमने दिए है, डिवल PTO दिया है और डिवल क्लच दिया है। इसको सिंगल टिप बोनट है यानी कि सिंगल पुश बटन से आप बोनट खोल सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको मेंटेनेंस करना है, अगर क्लीनर करना है या बाकी सब सारी चीज़ें करना है तो वो करके आप आराम से इसको बंद कर सकते हो। फोर व्हील ड्राइव की अगर बात करता हूँ तो बेसिकली इसमें कुबोटा का फोर व्हील ड्राइव एक अच्छी खूबी है और माना जाता है क्योंकि इसमें बीबल गियर सिस्टम हमने दिया है फोर व्हील ड्राइव में और ये बीबल गियर सिस्टम जो है वो पूरे विख्यात में प्रसिद्ध है, इसलिए कुबोटा एक फोर व्हील ड्राइव का पायनियर माना जाता है और फोर व्हील ड्राइव में इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आता है। बीवल गियर के कारण बेसिकली ट्रैक्टर जब आप टर्न लेते हो और फुल स्पीड में है तो आपका ट्रैक्टर जो है वो बिल्कुल दबता नहीं है, इंजन दबता नहीं है और आपका उसी स्पीड से उसी RPM में ट्रैक्टर आपका फुल स्विंग में आप टर्न कर सकते हो। इसका भी प्लेटफॉर्म आपको काफ़ी स्पेसियस दिया है, फ्लोर मैट दी है, इसका आप फ्लैट डेस्क देखोगे, इसका ऑपरेशन देखोगे तो कोई भी ऑपरेटर जो बड़े से बड़े का है तो भी यहाँ से आराम से ऑपरेट कर सकता है। बेसिकली गियर की भी बात करता हूँ तो यहाँ पे साइड शिफ्ट गियर हमने दिए है इसमें 45 टू व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव एंड 55 में भी हम लोगों ने इसी तरह से गियर्स दिए हुए हैं। इसमें आपका लो, हाई, न्यूट्रल, रिवर्स इसकी सबके यहाँ पे ये दिया हुआ है। फिर पोजीशन कंट्रोल लेवर, ड्राफ्ट कंट्रोल लेवर इसमें दिया है। सर्व शेतकरी बांधवांचे हार्दिक स्वागत। तो ये अगर आप देखते हैं तो आराम से कोई भी ऑपरेटर इस ट्रैक्टर को चला सकता है और इस ट्रैक्टर की खूबी है कि पावर परफॉर्मेंस, ये पावर तो देता है उसके साथ साथ परफॉर्मेंस देता है और अच्छा माइलेज देता है। तो 45 HP में हमारे पास बेसिकली 4501 टू व्हील ड्राइव और 45 HP का 4501 फोर व्हील ड्राइव, ये दो मॉडल है। इसके बाद हमारे आगे की श्रृंखला पे आते हैं तो ये है हमारा मल्टी यूटिलिटी 55 HP का ट्रैक्टर जिसका इंजन आज की डेट में सबसे ताकतवर माना जाता है।
55 एचपी का कुबोटा का बनाया हुआ इंजन है। आरसी बुक में अगर आप चेक करते हो तो इसकी इंजन एचपी 55 एचपी से ज़्यादा आती है, यानी कि इसकी ताकत 55 एचपी से ज़्यादा है और पीटी एचपी भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इस ट्रैक्टर की अगर आप खूबी देखते हो तो ECDS इंजन है इसमें, यानी कि इको सेंट्रिक डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है। टायर्स इसमें 16-9 के दिए हुए हैं, MRP टायर्स हैं, टेल लैम्प दिया हुआ है। PTO में हमारे पास इसके दो तीन ऑप्शन हैं, जैसे कि आप फॉरवर्ड PTO, रिवर्स PTO। यहाँ जो मॉडल हम लोग दिखा रहे हैं वो रिवर्स PTO का है, यानी कि आप फॉरवर्ड में भी चला सकते हो और थ्रेशर रोटावेटर जैसे एप्लीकेशन में आप रिवर्स भी ले सकते हो। इसमें दूसरा एक ऑप्शन हमारे पास ड्यूअल PTO का आता है, 540 के अलावा 750 PTO HP भी हम लोग इसमें देते हैं। अगर अदर फीचर्स की बात करूँ मैं तो ECDS इंजन के अलावा इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है, फोर वॉल टेक्नोलॉजी का इंजन है। फोर वॉल टेक्नोलॉजी के यानी कि हर एक पिस्टन के साथ चार वॉल दिए हुए हैं, जिसमें आपकी इनलेट है, कंबशन है, पावर है, एग्जॉस्ट है। ये चारों ऑपरेशन जो पावर बनाने के हैं वो एक पिस्टन पे चार वॉल के द्वारा किया जाता है और टोटल 16 वॉल हमने दिए हैं। इसके कारण इसका माइलेज अन्य ट्रैक्टर के मुकाबले बहुत अच्छा है। आज डीजल के रेट एक पीक पे है, फार्मर को डीजल का पैसा बचाना है तो अगर ये फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी का इंजन हम लोग यूज़ करते हैं तो फार्मर अपना कम से कम 2 से 2.5 लीटर डीजल एक एकड़ की अगर वो प्लॉइंग करता है, रोटावेटर करता है, तो अन्य 55 HP के ट्रैक्टर के मुकाबले इसमें बचा सकता है। बाकी अदर फीचर्स में ड्यूअल कैच है, शटल शिफ्ट है, ऑयल इमस मतलब ऑयल वेट डिस्क ब्रेक है और पावर स्टेयरिंग आपको दी है। तो ऐसा ये हमारा 55 का मल्टी यूटिलिटी ट्रैक्टर आपको 2-व्हील ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव दोनों में मिल सकता है। इसके अलावा मैं और एक खूबी आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे MU ट्रैक्टर सीरीज़ के साथ हम लोग अभी आपको 3 साल का वारंटी दे रहे हैं, जो 3000 घंटे तक सीमित रहेगी या 3 साल तक सीमित। तो फार्मर को इंजन, हाइड्रोलिक, ट्रांसमिशन इसकी चिंता कोई करने की ज़रूरत नहीं, उसकी पूरी खर्चा देखभाल कंपनी वारंटी के तहत कर सकती है। आप सभी को मैं एग्रोविजन में शुभकामनाएं देता हूं कि आइए कुबोटा के स्टॉल पे विजिट कीजिए, हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में जानिए। किसान भाइयों, कंपनी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कृषि संबंधित वीडियो के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारे चैनल के सभी वीडियोज़। धन्यवाद।